सुदर्शन चक्र चलाते हैं श्री कृष्ण, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक क्षण में चाहे उसका वध कर दें। 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे ठाकुर जी और कभी भी कोई शस्त्र नहीं उठाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ब्रज में रहने वाले कृष्ण सिर्फ अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं। क्या रखते हैं? काय के लिए रखते हैं कि ब्रज में, ब्रज की भूमि पावन वसुंधरा, ये युद्ध का स्थल नहीं है, ये प्रेम स्थल है। ब्रज जो है प्रेम की भूमि है, जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। जिन्हें भगवान से सच्चा प्रेम चाहिए हो उनका आना जाना वृंदावन होना चाहिए, लेकिन टूरिज्म की तरह नहीं, होटलों में रुकना, होटलों का खाना खाना, स्टाइल में आना, स्टाइल में जाना, ये इससे प्रेम नहीं मिलेगा, इससे तो सिर्फ टूरिज्म मिलेगा। वृंदावन में जाने की एक अलग विधा है, हमारे आचार्यों से सीखो। हमारे आचार्य गण जब भी ब्रज में प्रवेश करते हैं वाहन सीमा से बाहर छोड़ते हैं अपना। वृंदावन में आज वाहनों की भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पैदल नहीं चल सकता कोई। अच्छा, किसी जिनमें सामर्थ्य है वो भी चलना नहीं चाहते, वो भी यही चाहते हैं कि बिहार जी के पीछे ही मेरी गाड़ी रुके। बिहार जी के पीछे तो बहुत बड़ी बात है, अगर अवसर मिले तो बिहार जी के सामने जाके गाड़ी रोके और फिर पूछे फ्री हो बिहार जी आ जाऊं, फिर बिहार जी कॉल करके कहेंगे हाँ ठीक है आ जा भाई, अब मेरे फ्री हूं, अब मेरे पास कोई नहीं है, एकदम खाली बैठा हूं, तेरा ही इंतजार कर रहा था, आ गया चपेटू आ जा। वो आ गया तब बिहार जी ने अपना पर्दा अपने आप ही खोला, आ जा अरे आ जा मैं लाला आया हूं। बिहार जी के एकदम जस्ट पीछे गाड़ी रोकनी। तीर्थ में जितना ज्यादा हो सके उतना पैदल चलना चाहिए। प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटिन जग समान। एक एक कदम एक एक यज्ञ का फल देता है आपको जितना पैदल चलोगे तीर्थ में। अच्छा एक बात सोचो, अब हम लोग भी बहुत गाड़ियों में तो हमें भी चलना पड़ता है, मजबूरी हो गई है अब। लेकिन हमारा बचपन पूरे पैदल बीता है उस वृंदावन में। कहां से? फोगला आश्रम से केसी घाट तक दोपहर के 1:30 बजे। तांगो नहीं मिलेगा नहीं तो बाद में है 1:30 बजे। कम से कम नाना करते करते फोगला आश्रम से केसी घाट 2-2.5 किलोमीटर होगा, ज्यादा ही होगा कम नहीं होगा। और फिर 0.5 किलो 1 किलोमीटर तांगे पल्लंग पुल के बाहर, तो कम से कम 3.5 किलोमीटर हमारा पूरा बचपन ऐसे बीता है, पैदल 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 पैदल। तो इसका मतलब है हमने तुम जितना जीवन में तपस्या करोगे उतनी हमने 1 साल के ही बचपन में तपस्या कर ली है वहां। और शायद उसी का फल है कि किशोरी जी कह रही बेटा अब तू कथा सुना, तो आज कथा कह रहे किशोरी जी की कृपा है। आधुनिक युग में संत महात्मा भी उतना पैदल अब नहीं चल पा रहे हैं वहां, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई, बहुत संख्या हो गई। लेकिन आपसे जो तीर्थ यात्री हैं, जो वहां जा रहे हैं या प्रयाग में भी आ रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, तीर्थ में जब जाओ तो भगवान के सेवक बन के जाओ, मालिक बन के बन जाओ। चाहे तुम भगवान ने कितने भी बड़े बनाए हो, पर जितने सूक्ष्म रूप से जाओगे उतने ही ठाकुर जी तुमसे प्यार ज्यादा करेंगे। उन्हें पता भी ना चलेगा, दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन आया है।